हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी भाषा के सभी शब्दों के अर्थ बताने और समझने एकदम असंभव सा कार्य है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शब्दों की कोई सीमा नहीं होती, यानी कि हमारे पास अंतहीन शब्द होते हैं। उन सभी के अर्थ तो बताने असंभव हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी भाषा के कठिन शब्द जो कि हमारे प्रश्न जब हम परीक्षा देने चाहते हैं उसकी दृष्टि से उपयोगी हैं, उनके अर्थ आपको बताती रहूं। आज के अध्याय में फिर मैं आपके सामने कुछ नए शब्द और उनके अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूं। तो जानते हैं हिंदी भाषा के कुछ नए कठिन शब्दों के अर्थ। आज का मेरा पहला शब्द है संगतकार। संगतकार का अर्थ होता है दोस्तों मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या फिर कोई वाद्य या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला। गरज यानी कि ऊंची गंभीर आवाज। प्राचीन काल, पुराना। अंतरा स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जटिल, कठिन। तान संगीत में स्वर का विस्तार। सरगम संगीत के सात स्वर जो होते हैं, सा रे ग म प ध नी। लांग कर, पार करके। अनहद का अर्थ होता है परमात्मा से मिलने से पहले भक्त के कान में आने वाली आवाज। समेटता, इकट्ठा करना। नौ सिखिया जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। रीझना का अर्थ होता है आकृष्ट होना। वैभव संपदा, धन दौलत या संपत्ति। सरमाया, सरमाया का अर्थ होता है पूंजी। प्रभुता का शरण चिन्ह, शरण सिंह। बड़प्पन का एहसास। भरमाया भ्रम में पड़ना। मृग तृष्णा भ्रम धोखा। चंद्रिका चांदनी। कृष्णा काली अमावस्या। यथार्थ वास्तविक। अंत निरुद्ध इसका अर्थ होता है भीतरी रुकावट। द्वंद्वातीत द्वंद्व से परे। मदोदता इसका अर्थ होता है नशे या गर्व से चूर। विजिता तपा धूप को दूर करने वाली। अकुतोभ्य जिसे कहीं और किसी का भी भय ना हो। अवमानित, अवमानित का अर्थ होता है दोस्तों अपमानित या तिरस्कृत। विरुद्ध, विरुद्ध का अर्थ होता है कीर्ति गाथा, प्रशंसा सूचक पदवी। स्तबक फूलों का गुच्छा या किसी गुच्छे को भी हम स्तबक कहते हैं। लोल चंचल या फिर हिलता डुलता। फकत अकेला, केवल या फिर एकमात्र। अनुत्युच जो बहुत ऊंचा ना हो। अविच्छेद विच्छेद रहित। स्फईमान फैलता हुआ, विस्तृत या फिर व्यापक को भी हम स्फईमान कहते हैं। मूर्धा मस्तक या सिर। दुरंत प्रबल या फिर जिसका पार पाना कठिन हो। कार्पण्य कंजूसी या कृपणता। श्रमित परिश्रम करके थका हुआ। विपिन, विपिन का अर्थ होता है जंगल या वन। तरु छाया पेड़ों की छाया। पथिक मुसाफिर। उनिंदी नींद से भरी हुई। श्रुति सुनने की क्रिया। विहाग अर्धरात्रि में गाए जाने वाला राग। सुतृष्ण तृष्णा के साथ। दीठ, दीठ का अर्थ होता है दृष्टि। गहन गहरा। सकल सारी। जीवन रथ जीवन रूपी रथ। प्रलय तूफान। पथ रास्ता। दुर्बल कमजोर। पदबल यानी कि पैरों की ताकत। थाती उत्तराधिकार। वेदना पीड़ा। रहा रास्ता। पाथ्य संबल या सहारा। कंठ गला। प्रथा पृथ्वी। ठाकुर कहते हैं स्वामी या मालिक को। आमूल यानी कि जड़ तक या पूरी तरह। नवल का अर्थ होता है नया। उच्छ्वास ऊपर खींची गई सांस या फिर आह भरना। स्तब्ध हैरान। नयन नत नयन झुकी आंखें। आलोक रोशनी या प्रकाश। अग्र होंठ। घीति प्यास या पान। विधि भाग्य मोर मेरा। मिसु बहाना। सूची पवित्र। कुचाली बुरी चावल बुरा चावल। कोदव मोटा चावल। मुसाली धान। मुकुता मोटी। संबुक घोंगा। तो दोस्तों ये थे हिंदी भाषा के कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। इसी प्रकार हिंदी भाषा के और भी कठिन शब्दों के अर्थ हम अपने बीच बीच के अध्याय में समझते रहेंगे और जानते रहेंगे हिंदी भाषा के नए कठिन शब्दों के अर्थ, ताकि कोई भी परीक्षा में हमें दिक्कत ना होए। क्योंकि होता है कई बार ऐसा कि कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ आता और आता हुआ प्रश्न भी हमें छोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए आप मेरी इन
जो भी वीडियोस मैं छोटी छोटी बनाती हूँ इन्हें आपको ध्यान से सुनना है और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।